देखती है नाइला अकेले अकेले भरे जा रही है, भरे जा रही है। बोलिए मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगी कश्यप। यस यस यस। और यहाँ पे शहरोज भाई भी अपने लिए चीजें लेने के लिए रुके हुए, बोल रहे हैं बस आज मैं वो चीजें ले लूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है गुड मॉर्निंग नायला, गुड आफ्टरनून। ओके ओके गुड आफ्टरनून हो गया। हमारी तो अभी गुड मॉर्निंग होगी क्योंकि तुम अभी उठी हो ना। मैं सुबह से उठी हूँ। आपकी तो बात अलग है ना, आप रात में जल्दी सो जाती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं। मेरी इंसानों वाली रोटी है ना। और हम जानवर हैं। नहीं आप इंसान हैं लेकिन आप लेट लेते हैं। ठीक है बस अब मैं भी रेडी हो रही हूँ गाइस। अब मैं अपनी शक्ल दिखाना बिल्कुल नहीं चाहती इस वक्त। भाई ये मैडम तो तैयार हो चुकी हैं और अब मेरी बारी है। मैं जा रही हूँ बात लेने के लिए, फिर रेडी होके मिलती हूँ आप लोगों से। तो भाई मैं रेडी हो चुकी थी और रेडी होने के बाद हम लोग नाश्ता लेने के लिए निकले। घर में सब वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आज का दिन भी लाहौर में गुजर जाएगा। हम लाहौर से बाहर नहीं जा रहे, लाहौर हमें इतना पसंद आ गया कि अभी हम लोग जल्दी से नाश्ता लेंगे और घर जाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट कश्मीर के लिए। क्योंकि इस्लामाबाद में रुक नहीं सकते, इस्लामाबाद में इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि हमें लाहौर में ही दो दिन हो गए हैं, हम लोग निकल ही नहीं पा रहे लाहौर से, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। तो बस अब जल्दी से नाश्ता लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। पहले इस प्यारे वेदर में हम पियेंगे मैंगो जूस, मैंगो जूस के बाद फिर बताते हैं कि क्या होगा। अभी भी हम लोग आ गए लाहौर के मार्ट में और हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए। हम लोग कुछ खाने पीने के लिए ले लें क्योंकि यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग कहीं रुकेंगे नहीं, हमने जाना है डायरेक्ट कश्मीर। कश्मीर है तो बस नायला ढूंढ रही है अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए। कुछ मिल रहा है तुम्हें अपने मतलब का? मैं भी अपने मतलब का ढूंढ रही हूँ, कुछ मिल जाए। ये नायला अकेले अकेले भरे जा रही है, भरे जा रही है। बोलिए मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊँगी कश्यप। यस यस यस। और यहाँ पे शहरोज भाई भी अपने लिए चीज़ें लेने के लिए रुके हुए, बोल रहे हैं बस आज मैं वो चीज़ें ले लूँगा जो मुझे बहुत पसंद है। क्यों शहरोज भाई, है ना? क्या क्या लिया है हाथ में दिखाएं तो ज़रा, क्या क्या पसंद है आपकी पसंद ना पसंद? नाइस नाइस। मैं ही खा रहा था ये। क्या आपको ये पसंद है? मुझे आइसक्रीम खाने का दिल हो रहा है बहुत, मैं सोच रही हूँ आइसक्रीम ले लूँ। हमारे साथ क्या हो रहा है? लाहौर को हमसे मोहब्बत हो गई है। हमारा क्या हो गया? चालान कट गया। चालान कट गया हाँ। कल हम निकल नहीं सके और आज हमारा चालान कट गया। और लाहौर में कितनी सख्ती है यार। बहुत गाइस हम लोग थोड़ा सा रॉन्ग क्या आ गए, लाहौर ने तो हमें पकड़ ही लिया है, जाने ही नहीं दे रहा हमें। अब तो चालान काट दिया 2000 का, वो भी ऑनलाइन मांग रहे हैं, जस्ट कैश नॉट कैश। हम लोगों की इतनी कोई एंड लेवल की ख्वारी हुई है। हमारी गाड़ी जो है ये देखें, मतलब हमारा ये टूर बहुत ज़्यादा बुरा जा रहा है फिलहाल। हम लाहौर से निकल ही नहीं पा रहे, लाहौर चाह ही नहीं रहा कि हम यहाँ से निकलें। और हमारे पास एक इंजीनियर मौजूद थे जिन्होंने ये शीशा ऊपर चढ़ा दिया फाइनली, और ये नीचे चला गया था और हम बहुत परेशान थे। खैर अब हम लोग अब अपने सफर को निकलेंगे, शायद अब हम कश्मीर की वादियों को देख लें। दूसरे इंजीनियर हमारे इंजीनियर मौजूद है शहरोज आरिफ भाई साहब। ओके क्या कुछ ऐसा कर कमाल कश्मीर में लाहौर में हूँ फिलहाल। मुझे बहुत दुख हुआ आपकी ये बात सुन के, हम कश्मीर नहीं पहुँच सकेंगे, लाहौर ने हमें पकड़ लिया। तुम्हें लाहौर बहुत पसंद आ गया, तुम्हें लाहौर से मोहब्बत हो गई है। तुमने कहा कि कश्मीर का तो पता नहीं लेकिन लाहौर में हम मैं हमेशा मुझे यादगार रहेगा। कोई हमें लात मारता किक मारता कश्मीर तो कश्मीर जाने में कश्मीर क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगता है हमें कश्मीर के ब्लॉग देखने पड़ेंगे पूरे रास्ते। मुझे लगता है जिस तरह हम कराची से पूरे 12 बजे से पहले पहले नहीं निकले थे ना, और टाइम लाहौर हमें 12 से पहले नहीं छोड़ा।
कश्मीर पहुंच चुके हैं और ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ क्योंकि अब न्यू ब्लॉग स्टार्ट होगा जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। कश्मीर के रोड्स थोड़े बहुत आप लोग को देखने को मिले होंगे, बट अब जो आज व्लॉग बनाऊंगी वो कल देखने को मिलेगा और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। फुल ट्रैवलिंग व्लॉग था क्योंकि हम लोग रास्ते में थे। तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? ठीक हैं? आज आयत का फर्स्ट डे है स्कूल में। आयत क्या सब्जेक्ट ले रही है आज जाके पता चलेगा। बायो लेंगी आयत, वो लीजिएगा जो आपको सही लगे। सही है, बायो लें या कंप्यूटर साइंस लें, जो भी लें, आपको जो आसान लगे वो लेगा। तब आसान होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता। थोड़ा सा मुश्किल होता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकती हैं। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेहनत करे बहुत सारी, जैसे आप ही करती है ना, जैसे आप ही को कह कह के कि आप ही आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, और आप देखें आप ही कर सकती है और वो करती है। इसी तरीके से आयत भी कर सकती है और आयत करती है माशाल्लाह से। मज़ा आता है पहले दिन, घर की शिफ्टिंग चल रही है, आयत स्कूल जा रही है, शुरू शुरू के मुहर्रम के डेज हैं, तो घर शिफ्ट करते हुए थोड़ा सा वो हो रहा है कि साल के शुरू के दिन है और घर शिफ्ट करते हुए दिल नहीं चाह रहा है कि अभी करें। गाइस लाइट गई हुई है मच्छर से बचाने के लिए। भूत गुजिया घर में। हाय हाय, बच्चे को मच्छर से बचा, मच्छर से बचाने के लिए बच्चे के साथ दादू ने यह किया है। सुबह से कितनी सुबह आई है लाइट यार, दिमाग खराब हो गया यार, लाइट ने दिमाग खराब कर दिया। आपने अपने बच्चे को क्या किया है? वो फारिस की तरह ना, जो फारिस करता था बचपन में, इसको भी करूंगी। बहू मच्छर सोने नहीं देते। बहू मच्छर सोने नहीं देते। आप क्या बोलना चाह रही है? आप क्या बोलना चाह रही हैं? कैसे करते तो बता जरा। बहू मच्छर छोने नहीं देते। गर्मी में कल मैंने इसके ऊपर से 50 मच्छर मारे होंगे। इतने मच्छर भाई, मैं हर मिनट से गई हूँ, पूछो इससे। यस, सारी रात लाइट नहीं थी, सुबह आप अपने पोते से भी पूछे वो क्या फरमा रहे हैं। आप क्या बोलने चलो बनो रानी है, मेरी लाइट गई है। आ, देखा जैनब, मैं तुझे मारूंगी तो मेरे बेड के ऊपर ये सब करवाती है। ये क्या था? देख लो, ये देखो। मैं या मामा के बेटे होते हैं ना, देखो देखो दुल्हन आ गई। देखो तो तुम कितना ही दुल्हन देखो हमारे घर की। अच्छा ये लो ता, ये देखो जहान। लाइट 6 बजे की गई हुई है मेरे साथ जी। तो बोलती क्या हूँ मैं आपको, शिफ्टिंग अलग चल रही है। शिफ्टिंग वो देखो, डब्बे पैक कर रही हूँ। ये देखें सामान पैक हो रहा है।